हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों हम अपने वीवो के फ़ोन में टॉकबैक को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने वीवो के फ़ोन दोस्तों टॉकबैक को यूज़ करना है। दोस्तों आप कैसे ऑन कर सकते हो और दोस्तों कैसे यूज़ कर सकते हो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आपको टॉकबैक ऑन करने के सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर लो। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करते तो क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको शॉर्टकट और एसेबिलिटी सेटिंग देखने को मिलेगी, आप इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करना दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको टॉकबैक के लिए लास्ट एसेबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको टॉकबैक दिख जाएगा। दोस्तों आपको टॉकबैक पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ से इसको ऑन करके दोस्तों आपको यहाँ पे अलाउ करना है। फिर दोस्तों आपके फ़ोन में टॉकबैक ऑन हो जाएगा। और सर टॉकबैक ऑन होगा इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, दोस्तों आप इसको वन फिंगर से तो यूज़ नहीं कर सकते, आपको टू फिंगर यूज़ स्क्रॉल करनी पड़ेगी टू फिंगर से। दोस्तों आप बैक बटन पर क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों वन टैप करके डबल टैप करना पड़ेगा, तब आप बैक हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों वन टैप से हम बैक नहीं हो सकते, तो मैं डबल टैप करके बैक हो जाऊँगा। और दोस्तों आप किसी भी ऐप को क्लोज करना चाहते हो आपको यहाँ पे डबल टैप करना है। और आप किसी भी ऐप को दोस्तों टू फिंगर से क्लोज कर सकते हो, दोस्तों वन फिंगर से आप क्लोज नहीं कर सकते। और दोस्तों आप अपने स्क्रीन को स्वाइप भी टू फिंगर से कर सकते हो, मतलब स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो। दोस्तों वन फिंगर से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को नहीं चला सकते। दोस्तों ये वो लोग यूज़ करते हैं दोस्तों जो देख नहीं पाते, दोस्तों थोड़े ब्लाइंड होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है इसके फ़ोन चलाने में। दोस्तों वो ये टॉकबैक सेटिंग को यूज़ करते हैं। दोस्तों वो टू फिंगर से अपने स्क्रीन को इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं। और दोस्तों जो भी ऐप उनको यूज़ करना होता है वो उन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि दोस्तों उनको यूट्यूब ऑन करना है तो दोस्तों यूट्यूब के किसी एक आइकन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों उनको यूट्यूब साउंड सुनाई देता है। तो दोस्तों वो डबल टैप करते हैं यूट्यूब यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से वो यूट्यूब को ऑन करते हैं और यूज़ करते हैं। दोस्तों क्लोज ऐप करने के लिए यहाँ पर आपको डबल टैप करना है और आप किसी ऐप को क्लोज कर सकते हो। अब दोस्तों आपको ऑफ करने के लिए सेटिंग पे क्लिक करना है, डबल टैप करना है दोस्तों आपको सेटिंग पे। और दोस्तों आपको टू फिंगर से ही नीचे की तरफ आना है। वन फिंगर दोस्तों आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे अपनी स्क्रीन को, देख सकते हो। दोस्तों मैं इस तरीके से कर ले रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको शॉर्टकट एक्सेबिलिटी दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और डबल टैप करना है। फिर दोस्तों आपको दोबारा से किसी एक सेटिंग पे क्लिक कर लो। और दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ आके आपको एसेबिलिटी वाली सेटिंग पे क्लिक करना है, डबल टैप कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको टॉकबैक दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दो, डबल टैप कर दो। दोस्तों यूज़ टॉकबैक पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको डबल टैप करना है। और स्टॉप वाले पे डबल टैप करके दोस्तों आपका टॉकबैक ऑफ हो जाएगा। आपके फ़ोन दोस्तों टॉकबैक सेटिंग ऑफ हो जाएगी। अब आप अपने फ़ोन को ईजिली यूज़ कर सकते हो बिना किसी टॉकबैक के। दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों हम अपने वीवो के फोन दोस्तों टॉकबैक को यूज़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।